ओके जी, आज हम वो व्यू लेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि आपकी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डीएनएस डोमेन नेम सर्वर या फिर डोमेन नेमिंग सर्विसेज, तो उसमें हमने ये कंसिडर किया था कि आप किसी भी डोमेन नेम के अगेंस्ट आईपी और आईपी के अगेंस्ट जो है वो डोमेन नेम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आज हम ये डिस्कस करेंगे। डीएचसीपी जो है इसका एक्चुअल काम क्या है कि ये डायनेमिकली आपको आईपी एलोकेट करता है। जब कभी भी आप नेटवर्क के ऊपर होते हो तो नेटवर्क के ऊपर आप जो है कम्युनिकेशन के लिए क्रॉस द इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड यू डू रिक्वायर एन आईपी। तो आईपी की जो आपको असाइनमेंट होती है वो कौन करता है? डीएचसीपी करता है। नॉर्मली आईपी असाइन करने के दो वेज हो सकते हैं, या किसी भी यूजर या क्लाइंट को आईपी जो है वो दो तरीकों से असाइन किए जा सकते हैं। वन इज द स्टैटिक एंड वन इज द डायनेमिक। अब स्टैटिक में क्या होता है कि मैनुअली जो है कोई भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, मैनुअली जाके आपका डेटा जो है वो सॉरी आईपी जो है वो असाइन करेगा, जबकि डायनेमिक में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन होगा। तो दो तरह से आप जो है वो आईपी जो है वो असाइन कर सकते हो किसी भी क्लाइंट या होस्ट को। तो ये क्या कह रहे हैं, इन आईपी एनवायरनमेंट बिफोर अ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट टू अनदर वन दे नीड टू हैव देयर ओन आईपी एड्रेस। डेफिनेट सी बात है, यू डू रिक्वायर एन आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट विद एनी of the systems over the network or across the network. So there are two ways to configure an IP address, to assign an IP address. First one is the static IP configuration and the second one is the dynamic. So static mein kya hota hai, statically assign an IP address. This means we manually type an IP address for this computer. And in dynamic IP assignment, you use a protocol that the computer can obtain its IP address automatically. तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली कंसर्न है कि हम जो है डायनेमिक आई पी जो असाइनमेंट करेंगे बाई यूजिंग विच प्रोटोकॉल, दैट इज डी एच सी पी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो हाउ डज डी एच सी पी वर्क? फोर स्टेप प्रोसेस है, इसे हम डोरा भी बोलते हैं। एक्चुअली जो है वो आपकी आई पी असाइनमेंट जो होती है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, वो होती है लीज पे होती है। मीन्स टू से एक पीसी है, पीसी में को सपोज करें वी हैव ए नेटवर्क, और जो डीएचसीपी का काम क्या है, डीएचसीपी क्या करता है, पूल ऑफ आईपी जिसके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, अब ये नया पीसी जो है जब सिस्टम के ऊपर आता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, डिस्कवर करता है किसको, डीएचसीपी को। ये डीएचसीपी उसने डिस्कवर किया, ये डिस्कवर की रिक्वेस्ट आ गई, ये डिस्कवर का मैसेज आ गया, इसके अगेंस्ट डीएचसीपी इसे ऑफर करता है, अगर अवेलेबल है तो इसे ऑफर करता है। ठीक है जी, दैट आई एम अवेलेबल। फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट करता है कि आई नीड एन आईपी एड्रेस। ओके, दिस इज डिस्कवर, दिस इज ऑफर, और फिर उसके बाद दिस इज रिक्वेस्ट फॉर व्हाट, रिक्वेस्ट फॉर आईपी, और इसके अगेंस्ट ये आईपी जो है इसे असाइन हो जाता है। दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट। अगर इसके पास आईपी अवेलेबल है डीएचसीपी पूल में, दिस इज अ डीएचसीपी पूल, डीएचसीपी पूल। ओके, तो ये डीएचसीपी पूल है, अगर इसमें आईपी अवेलेबल है तो ये इसे एक्नॉलेज कर देगा पॉजिटिवली कि यस आई डू हैव एन आईपी एंड ये आपको आईपी जो है ये आपको मिल गया जी, ये आईपी उसके अगेंस्ट दे दिया। अदरवाइज जो है वो उसके पास अगर आईपी अवेलेबल नहीं है तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी दे सकता है, या फिर उसे आईपी जो है वो असाइन नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये फोर स्टेप प्रोसेस है, इसे हम डोरा बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले बात स्टार्ट कहाँ से की थी, लीज से की थी। तो इसने अगर आईपी इससे लेना है तो अगर इसे आईपी मिल गया 192.168.10.1, कोई भी आप आईपी कंसिडर कर लें, आईपी जो भी मिल गया, तो वो आईपी अब इसके पास परमानेंट नहीं रहेगा। ये आईपी जो है वो किस पे है जी, लीज पे है। लीज मींस आईपी है फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद ये या तो आईपी इसे रिन्यू करना पड़ेगा या फिर आईपी जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी,
अब लीज पे लेने का मकसद क्या है, ताकि क्योंकि हमारे पास एड्रेस स्पेस जो होती है वो कम होती है, एड्रेस स्पेस हम देखिए, मे भी यहाँ पे हमारे पास 10 आईपीज अवेलेबल है, मे भी सिस्टम में हमारे पास 15 है, तो 15 दिस इज नॉट नेसेसरी कि 15 ऑल टाइम एक्टिव हो, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, जिसने आईपी यूज किया फिर उसके बाद वो आईपी रिलीज कर देता है, रिलीज करने के बाद आईपी दोबारा यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट टाइम मे भी कोई और रिक्वेस्ट कर रहे तो ये आईपी से दोबारा असाइन कर दिया जाए। सो दिस इज द डोरा, ये फोर स्टेप प्रोसेस है जो कि हमारा डीएचसीपी में यूज होता है। तो इस स्लाइड का अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं, तो हमारे पास आईपी जो आप डीएचसीपी से जब आप रिक्वेस्ट करते हो, तो सबसे पहले क्लाइंट जो है, कोई भी सिस्टम जो है, डीएचसीपी को डिस्कवर करता है, उसके अगेंस्ट डीएचसीपी अगर अवेलेबल है तो ऑफर करता है, फिर उसके अगेंस्ट जो है आपका जो सिस्टम है, क्लाइंट जो है वो आईपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके अगेंस्ट अगर आप आईपी पूल में, डीएचसीपी आईपी पूल में जो अगर आईपी अवेलेबल है, तो डीएचसीपी उसके अगेंस्ट जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर देता है, वो जो आईपी अगर मिलता है तो वो परमानेंटली असाइन नहीं होता, वो होता है फॉर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम और फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीएचसीपी। डीएचसीपी को अगर हम यूज करते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। DHCP reduces the complexity and amount of administrative work by using automatic IP configuration. Definitely सी बात है, administrative work जो है ये आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब देखें जो स्टैटिक आईपी या होती है, असाइनमेंट होती है, उसमें मैन्युअली सारा कुछ और होता है। आपने एक सिस्टम के अंदर जाना है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ओपन करनी है, वहां पे उसे आईपी असाइन करना है, फिर वो आईपी आपने अपने पास किसी रजिस्टर में नोटबुक पे नोट डाउन करते जाना है, ठीक है जी। और इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद, मे भी किसी हर सिस्टम की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकती है, कोई सर्वर हो सकता है, कोई आम सिस्टम हो सकता है, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो माइट बी पॉसिबल दिस विल क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ठीक है जी। फिर आईपीस को मैनेज करना, याद रखना, ठीक है जी। तो ये सारा के सारा काम हैक्टिक भी है, और एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही बिजी, आपको एक प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। जबकि डीएचसीपी में क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट यू हैव टू रन द प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। ओके, तो ऑटोमेटिक जो है वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेसेस आर सप्लाइड ऑटोमेटिकली, आईपी एड्रेसेस आर एंटर्ड मैन्युअली, या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज इंश्योर्ड। अब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले इंश्योर की जाती है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी करेक्ट है या नहीं है। आईपी एड्रेस कुड बी एंटर्ड इनकरेक्टली, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी इज देयर, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली, क्योंकि डीएचसीपी ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है, तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क इश्यूज कैन रिजल्ट, अब इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, तो आपको सारी की सारी चीजें खुद जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं। तो खुद मैनेज करने से क्या मुराद, मे भी आपकी कम्युनिकेशन या नेटवर्क के अंदर कोई इश्यूज हो तो वो मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। ए कॉमन सोर्स ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड, फ्रीक्वेंट कंप्यूटर मूव्स इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। अब देखिए हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंट कंप्यूटर मूव्स इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। सपोज करें, एक तो ये है कि हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे नंबर ऑफ पीसीज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। एक नेटवर्क का था, दो था, अगले दिन 200 का हमने कर लिया, तो डेफिनेटली ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, क्योंकि उसने मैन्युअली एक ही कंप्यूटर पे जाके सारा काम करना होता है, तो उसके लिए डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है। जबकि डीएचसीपी में ऐसा कोई काम भी नहीं होगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर ने हर एक सिस्टम में जाके सेपरेटली जो है वो देखना है कि कहाँ पे कौन से आईपी का इशू है, जबकि डीएचसीपी में ऑटोमेटिकली वो एलिमिनेट हो जाता है जो भी आपका इशू होता है। ओके, अच्छा जी, हाउ डीएचसीपी लीज जनरेशन, डीएचसीपी की लीज जनरेशन कैसे होती है, ठीक है, कि लीज पे किस तरह से आईपी जो है वो असाइन किए जाते हैं। ओके, सबसे पहले जी डीएचसीपी क्लाइंट ब्रॉडकास्ट डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट। डेफिनेट सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट सबसे पहले उसने प्रोड्यूस करना होता है क्लाइंट टाइम, ठीक है जी। तो क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ से डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट
पैकेट ये आ गया आपका क्लाइंट, क्लाइंट ने डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट जो है वो प्रोड्यूस किया, ठीक है जी। तो जो आपका डीएचसीपी सर्वर ये भी है, ये भी है, दीज आर द क्लाइंट्स, दिस इज क्लाइंट, दिस इज क्लाइंट, दिस इज क्लाइंट। तो आपका जो डीएचसीपी सर्वर जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो जो भी सर्वर अवेलेबल होगा उसके अगेंस्ट ऑफर पैकेट जो है वो आपको देता है। फिर डीएचसीपी क्लाइंट जो है उसके अगेंस्ट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जो है डीएचसीपी रिक्वेस्ट के नाम से ये मैसेज जो है वो जनरेट करता है, और उसके अगेंस्ट जो है वो डीएचसीपी पैकेट जो है वो आपको क्या करता है जी, एक्नॉलेजमेंट उसकी आती है। ओके ओके जी। तो दिस इज एन एनिमेशन, इस एनिमेशन को हम रन करते हैं तो यू विल सी ये डीएचसीपी क्लाइंट ने हमारे पास डीएचसीपी डिस्कवर की जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट की है। फिर वहां से रिस्पांस आया डीएचसीपी सर्विस से, डीएचसीपी ऑफर आई, फिर यहाँ से हमने डीएचसीपी रिक्वेस्ट जनरेट की और उसके अगेंस्ट जो है वो आपका डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट आई। ओके तो डीएचसीपी लीज रिन्यूअल प्रोसेस बाय डिफॉल्ट लीज पीरियड इज लिमिटेड टू 8 डेज, 8 दिन तक आप नए उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करते। क्लाइंट अटेम्प्ट टू रिन्यू इट इट्स लीज एज 50% ऑफ द लीज ड्यूरेशन हैज एक्सपायर्ड, ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है जी। ये क्या होता है जी, ऑटोमेटिकली होता है। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा इसका हल्का सा प्रोसेस जो है वो करके भी बताऊंगा। तो मतलब ऑटोमेटिकली जब आपने एक दफा डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट कर लिया तो वो 8 दिन तक आपको आईपी वही रह सकता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर आपका जब 50% जब टाइम गुजर जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है आपका डीएचसीपी नए उसके लिए रिक्वेस्ट कर देता है, ठीक है जी। लाइक दिस वन डीएचसीपी लीज, तो ये मैं आपको एक्चुअली जो है वो करके बताता हूँ। लेट मी डू इट एट वंस, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ फिर मैं अपने सिस्टम पे। जो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल जो है ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन है के लिए है कि तमाम तरह की आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज आईपी कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द नेम ऑफ योर पीसी एंड दिस ऑल आर द डिटेल्स ऑफ दिस आईपी दिस सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास लेट मी पिक अप द मार्कर, तो हियर डीएचसीपी इनेबल्ड, यस इट इज इनेबल्ड, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यस इट इज इनेबल्ड, ठीक है जी। डीएचसीपी हमारे पास इनेबल है, और फिर उसके बाद जी डीएचसीपी सर्वर का हमारे पास एड्रेस, दिस इज द एड्रेस डीएचसीपी सर्वर एंड तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास दिस इज लीज ऑब्टेंड, ये लीज ऑब्टेंड की है कौन सी डेट को जी, इस डेट को, ठीक है जी। और लीज एक्सपायर होगी कब, इस डेट को लीज एक्सपायर होगी और इस टाइम पे एक्सपायर होगी। ओके मैं अपने सिस्टम के ऊपर आपको रन करके इसका बता देता हूँ। ओके मैं अभी वापस जा रहा हूँ जी उसके ऊपर, जो स्लाइड्स थी हमारी तो हम देख रहे थे डीएचसीपी लीज, और उसके बाद जी मिसिंग डीएचसीपी सर्वर, इफ द क्लाइंट कैन नॉट फाइंड ए डीएचसीपी सर्वर देन इट मे ऑटो असाइन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम ए रिजर्व रेंज। अगर आपका डीएचसीपी सर्वर जो है को फाइंड नहीं कर सकता आपका क्लाइंट जो है, तो फिर वो अपने रिजर्व आईपी एड्रेस जो कि रिजर्व आईपी एड्रेस की रेंज ये है, या फिर सिंपली आईपी एड्रेस क्या असाइन हो जाएगा, ये असाइन हो जाएगा। अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं मिलता है तो इस रेंज से लेके इस रेंज तक कोई आईपी एड्रेस होगा जो आपके सिस्टम का असाइन होगा, या फिर ये वाला आईपी एड्रेस जो है वो 0.0 असाइन। तो डीएचसीपी की जो कमांड्स हैं, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, द कमांड विल शो आईपी एंड डीएनएस सेटिंग्स, आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज, दिस कमांड विल रिलीज द आईपी एड्रेस फ्रॉम टीसीपी, अगर आप अपनी मर्जी से जो है वो रिलीज करना चाहते हो। रिन्यू के लिए दिस वन इज द कमांड विच यू कैन यूज टू रिन्यू द डीएचसीपी सॉरी आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएचसीपी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, तो